तो राहुल गांधी के इस बयान पर क्या टिप्पणियां आ रही हैं वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ये सुनिए राहुल ने कहा क्या था। हालांकि आप ये सुन चुके हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था, और उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन आए, टिप्पणियां किस तरीके की है वो भी सुनिए। देखिए, जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग श्री राहुल गांधी जी ने किया है ये बहुत ही चिंताजनक और गंभीर है। खून की दलाली, यह भाषा इंडिया की आर्मी के लिए, उन जवानों के लिए जिन्होंने अपने खून से हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को सींचा है, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ये कहीं ना कहीं शहादत के ऊपर मजाक करना, शहादत के ऊपर हंसी करने के बराबर है। राहुल गांधी जी अपरिपक्व नेता थे ये तो हम सबको मालूम है, मगर इतने अपरिपक्व हैं ये आज मालूम पड़ा है। He said that surgical strike, military we have to appreciate, decision of the government we appreciate, we stand by that, but Modi government should not use it politically. Nothing else. लैंग्वेज जो कमेंट कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राहुल जी सेड, राहुल जी सेड दैट बीजेपी इज ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज दिस इश्यू ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, दे शुड नॉट डू दैट। तो बीजेपी हमलावर है, लेकिन बाकी पार्टियों का क्या कहना है वो भी सुनते हैं। बहुत लंबा अटैचमेंट है, क्योंकि इन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट में कांग्रेस ने दलाली खाई, चावल चीनी में दलाली खाई, स्पेक्ट्रम में दलाली खाई, कोयले में दलाली खाई, एयरसेल मैक्सिस डील में दलाली खाई, बीआईपी चॉपर स्कैम में दलाली खाई। तो दलाली की पराकाष्ठा देखिए कि इन्होंने जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाला एक संस्थान था उससे भी दलाली खा ली। तो जिस तरह का भाव उनका रहा है, जिस तरह से 10 साल तक उन्होंने 12 लाख करोड़ की दलाली कांग्रेस ने खाई है, तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ये सीधा सीधा फ्रस्ट्रेशन है उनका, और इसका परिणाम भी जनता उनको ठीक से मौका मिलने पर जनता की तरफ से उनको परिणाम भी देखने को मिलेगा। जनता में बहुत आक्रोश है इस तरह के जो बयानबाजी हो रही है, तो लोग तय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक एक सर्जिकल प्रोपेगेंडा डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बनाई जा रही थी, वो हमारे हक में भी बहुत बेहतर एक प्रॉस्पेक्ट उसका नहीं था। इससे पहले भी हमने किया, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि पाकिस्तान की टेरर मशीन को नेस्तनाबूद करना। इसमें कई दफा हमें ये लगा कि इसका उद्देश्य आप घरेलू राजनीति के लिए अगर करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान के बारे में तो हम जानते हैं कि वहाँ की मिलिट्री पॉलिटिसाइज्ड है, लेकिन हमारी मिलिट्रिस्टी आज तक कभी भी राजनीति से कोई लेना देना रहा। मैं समझता हूँ कि उस दृष्टिकोण से हमें अपनी सेना को राजनीतिक जो दूषित एक वातावरण सा है उससे महफूज रखना चाहिए। मुझे ये शब्दों को हम पसंद नहीं करते, इस तरह की बातें देश के जहां माहौल इस तरह का बना पड़ा है कि हम खतरे में हैं या फिर हमारे सरहदों पर हमले हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इस तरह की राजनीति लोगों को पसंद नहीं है। और मुझे लगता है कि देशवासी भी राहुल गांधी की इस बात से सहमत नहीं होंगे। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री को दलाल कहना मुझे लगता है उचित नहीं है, और राहुल गांधी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो वही नोएडा के दादरी का बिसाढ़ा एक बार फिर से सियासत का अखाड़ा बन चुका है। अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि का अंतिम संस्कार 3 दिन बाद भी नहीं हो पा रहा है। अब ताजा खबर यह है कि लुक्सकर जेल में तैनात जेलर बीएस मुकुंद हटाए गए हैं, उन्हें लखनऊ भेजा गया है। जेलर पर रवि की पिटाई करने का आरोप है और परिवार उन पर केस चलाने की मांग लगातार कर रहा है। लुक्सकर जेल में बंद रहे रवि की 4 अक्टूबर को मौत हो गई थी, तो ग्रामीण रवि के शव को फ्रीजर में रखकर अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, और सियासत जरूर इस पर पूरी तरीके से हावी नजर आती है। तो लुक्सकर जेल के जेलर को हटा दिया गया इस बीच, चूंकि उन पर आरोप लगा था, पिटाई का आरोप लगा था, रवि की मौत का आरोप लगा था। 3 दिन बाद भी अगर हम अभी देखें वहां की जो स्थितियां हैं वो फिलहाल तो सुधरती नजर नहीं आती है। अमित चौधरी हमारे साथ हैं। अमित, ये बताइए कि जेलर को तो हटा दिया गया है, क्या कुछ लोग कर रहे हैं वहां पर, अब किस तरीके से स्थितियों को संभालने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, गुस्सा शांत नहीं हुआ है, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है रवि के शव का।
बिल्कुल श्वेता, देखिए कल भी तीन दौर के आसपास जो प्रशासन और ग्रामीणों की 11 सदस्यीय टीम बनाई है, इन लोगों के बीच में वार्ता हुई थी और प्रशासन की तरफ से जो भी प्रस्ताव ग्रामीणों को दिए गए थे उस पर वो असहमत नजर आए और रात को कैंडल मार्च जलाकर रवि की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रे की। अभी भी ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अखलाक के भाई की जान मोहम्मद की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और जो मृतक रवि है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिल जाता है, जो भी उनकी 5 मांगे हैं उनको लेकर अगर जल्दी से जल्दी प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो वो आंदोलन कर सकते हैं। आज 11 बजे के आसपास एक पंचायत भी इन लोगों ने बुलाई है जिसमें आसपास के गांवों के लोग वहां इकट्ठा होंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से 10 लाख रुपया मुआवजा और जेलर को हटाने का प्रस्ताव दिया गया था। साथ ही साथ सीबीआई जांच, अगर जुडिशियल जांच से लोग खुश नहीं है तो सीबीआई जांच को भी रिकमेंडेशन भेजने के लिए जिलाधिकारी ने बात कही थी। लेकिन इन चीजों को परे हटाकर जो ग्रामीण है उनका कहना है कि सबसे पहले जान मोहम्मद की गिरफ्तारी हो क्योंकि गोकशी की धाराओं में उसके ऊपर FIR दर्ज है और उसकी गिरफ्तारी अभी तक पुलिस प्रशासन ने नहीं की है, तो सबसे पहले जान मोहम्मद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए प्रशासन की तरफ से जो भी 3 बार कल वार्ता हुई थी उसमें जान मोहम्मद की गिरफ्तारी को लेकर किसी तरीके का अभी प्रस्ताव ग्रामीणों के सामने नहीं रखा गया है और जिस तरीके की बातचीत अभी तक की जा रही है उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि प्रशासन जान मोहम्मद को गिरफ्तार करने के मूड में नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज का अंदेशा है अभी तक की जांच में कि जान मोहम्मद का उस केस से कोई केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी की जाए, तो जो टकराव का कारण बन सकता है अगर माहौल यहाँ पर बिगड़ता है तो वो जान मोहम्मद की गिरफ्तारी का एक ऐसा इशू बन गया है कि ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक जान मोहम्मद की अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और एहतियातन करीब 4 जिलों की फोर्स को। चलिए अमित, आप वहाँ की जो भी स्थितियां हैं उसके हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे उसके बारे में। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि News 24/7 पर ही गौतम बुद्ध नगर के SSP ने जेलर को हटाने की बात कही थी और आज ही ये ऐलान भी हुआ। बिसाड़ा के तनाव को खत्म करने के लिए पुलिस के पास क्या प्लान है ये जानते हैं SSP धर्मेंद्र सिंह से। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से डेड बॉडी को रखकर गांव वालों ने यहां पर धरना प्रदर्शन करना शुरू किया है, काफी तनाव की स्थिति है, तो क्या पुलिस के पास प्लान है अभी? देखिए अभी तो फिलहाल हमने गाँव में फोर्स को तैनात कर दिया है, आसपास के जनपदों से भी एडिशनल फोर्स को मंगाया गया था, PSC को भी वहां तैनात किया गया है, तो पुलिस तो वहां मुस्तैद है, सतर्क है। और ये बात भी सही है कि गांव में थोड़ा सा तनाव है इस चीज को लेकर के, लेकिन हम लोग सतर्क निगाह रखे हुए हैं। एक अहम बात यह है कि जो लोगों का जो मूड है वो लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है, डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर उन्होंने वहां पर मंगा लिया है, तो आंदोलन उनका काफी लंबा चलेगा, तो क्या किसी तरह की बातचीत गांव वाले से हो रही है कि भी कम से कम डेड बॉडी को आप लोग यहां से हटाकर उसका अंतिम संस्कार कर दें? देखिए बातचीत तो चल रही है क्योंकि जब इसकी जो रवि है इसकी जब डेथ हुई वहां पर जेल में, तो अभी उसका मेडिकल लीगल रिपोर्ट है वो अवेटेड है, वो आनी है, लेकिन ये है कि वो बीमारी की वजह से जो है उसकी प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि उसकी डेथ हुई है। जो उनकी मांगे हैं उसको लेके प्रशासन और पुलिस प्रशासन हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग इंक्वायरी चाहते हैं तो DM द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की घोषणा की गई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी जांच करेंगे, साथ ही साथ में उनकी जो जांच है वो दिल्ली में चूंकि उनकी मृत्यु हुई है वहां भी मजिस्ट्रेट उनकी जांच करेगा, तो उनकी बहुत सारी मांगे मांगी जा रही हैं। कुछ चीजें हैं जहां पे हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं और जैसे वो चाहते हैं कि जेलर के खिलाफ कार्रवाई हो उसको भी अभी घोषणा कर दी गई है कि उनको यहां से हटाया जा रहा है, साथ ही साथ में यदि वो संतुष्ट नहीं है CBI जांच चाहते हैं तो इसकी भी जो है जिलाधिकारी द्वारा बात की गई है, यदि वो इसमें संतुष्ट नहीं होते तो वो जांच भी उनकी स्थानांतरित CBI के लिए किया सकती है, तो ये सारी नेगोशिएशन हम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है हम लोग जो है हमारी बातचीत सफल रहेगी। बिसाड़ा पहले भी राजनीति का अखाड़ा बन चुका है तो उसको लेकर किस तरह के एहतियात आप बरत रहे हैं, क्योंकि वहां पर कई सामाजिक तत्व भी वहां पर आ रहे हैं, नेताओं की क्या एंट्री पूरी तरह से ओपन है यहां पर या कुछ आप रोक लगाएंगे? नहीं अभी तो देखिए फिलहाल चूंकि वो एक नेचुरल डेथ उसकी जो हुई है बच्चे की जो जुडिशियल उसमें कस्टडी में था, तो उसकी जो डेथ हुई है उसको लेकर बहुत सारे लोग सांत्वना देने भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बातचीत करने भी आ रहे हैं, तो अभी इस प्रकार का कोई वहां पर कम्युनल फ्लेयर अप हो ऐसा नहीं है। हाँ लोगों की कुछ शिकायतें हैं कि जेल प्रशासन उनकी बात को नहीं सुनता था या जेल प्रशासन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, जो बाकी के लोग हैं उनकी मेडिकल जो जांच है वो अच्छी तरह, उनकी कुछ शिकायतें हैं, कुछ ग्रिजेस हैं जिनमें से कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ एग्जिजरेटेड हो सकते हैं, तो वो सारा हमने उनको जांच का आश्वासन दिया है और बाकी के लोग आ रहे हैं। अभी इस प्रकार की कोई सांप्रदायिक तनाव हो वहां पर या कोई बहुत ज्यादा सांप्रदायिक विद्वेष जैसी कोई चीज हो ऐसा भी नहीं है।
तो चलिए, सांप्रदायिक तनाव बिछड़ा गांव में नहीं है, ऐसा एसएसपी गौतम मुंडा धर्मेंद्र सिंह का कहना है। उनका कहना है कि गांव के लोगों से बातचीत लगातार चल रही है और जल्दी ही इस ये जो विवाद पैदा हुआ है इसको खत्म कर दिया जाएगा। गौतम मुंडा से कैमरामैन बजरंगी के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7।